चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होगा। दुख, पीड़ा और मोह, ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख, और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सत्य तो शाश्वत है, सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपनाया वो आजीवन ढूंढता रहता है, किंतु विडंबना यही कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही कि तुम एक दैत्य अंश हो। जन्मों उपरांत तुम सबने अपने आप केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य मान लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना लिया। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहा है, और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेंगे। पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं, किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है, और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती, उपेक्षा के नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है, परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए
वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत स्थिर। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता है। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता है। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपद शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। मैं वो हूं जो नहीं है। जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव। और जिस क्षण आप में श्वास नहीं देव देव, तब आप मुझ पे देव शिवा। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं।